दोस्तों, क्या आपको पता है कि रोल्स रॉयस कार इतनी महंगी क्यों होती है और रोल्स रॉयस कार का आविष्कार किसने किया है? लग्जरी कार की दुनिया में कोई कमी नहीं है। ऐसे में ही एक प्रीमियम कार ब्रांड का नाम है रोल्स रॉयस, जिसका नाम ही काफ़ी है। कार को प्रीमियम के एक्साइटेड करने के लिए यह कार इतनी फेमस है कि इसकी एक शक्ल देखने की चाहत बहुत से कार प्रीमियम रखते हैं। इस कार की स्टार्टिंग प्राइस है 5 करोड़ रुपए से शुरू होती है, और यह जानकर आपको पता चल ही गया होगा कि यह कार प्रीमियम होती है। और हम जानेंगे इसकी पूरी कहानी और रोल्स रॉयस कार इतनी महंगी क्यों होती है। ऐसे में अगर आप भी गोस्ट, फैंटम, डाउन जैसे मॉडल मार्केट में उतारने वाले हैं, तो कार कंपनी के बारे में इंटरेस्टिंग बातें जानना चाहते हैं, तो रोल्स रॉयस कार इतनी महंगी क्यों होती है और रोल्स रॉयस कार आविष्कार किसने किया है, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए, रोल्स रॉयस कार इतनी महंगी क्यों होती है? दोस्तों, रोल्स रॉयस एक ब्रिटिश लग्जरी ऑटोमोबाइल कार कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत होती है, जिनका नाम है हेनरी रॉयस के द्वारा, 1884 में एक्सट्री ब्रिक्स किए गए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल बिजनेस से हुई। रॉयस ने अपनी पहली मोटर कार 1904 में बनाई थी, और उसी साल रॉयस ने मुकालत चार्ल्स रॉयस से हुई, जिनकी कंपनी लंदन में एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी कार बेचा करते थे। इसके बाद रॉयस ने एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके हिसाब से रॉयस लिमिटेड कार मैन्युफैक्चरिंग करेगी और उन कार को बेचने का काम रॉयस की कंपनी करेगी। इस तरह इस एग्रीमेंट के बाद 1906 में रोल्स रॉयस ब्रांड स्टैब्लिश हुआ, जो आज तक और प्रीमियम ब्रांड बनाता है। 1906 इस कंपनी ने 6 सिलेंडर सिल्वर गोस्ट कार लॉन्च की, जिस एक साल के अंदर ही अंदर बेस्ट कार इन द वर्ल्ड कहा जाने लगा। यह कार नॉन स्टॉप 24,000 किलोमीटर तक दौड़ी। इस खिताब के बाद रोल्स रॉयस कंपनी को रिलायबल समझाने जाने लगा। 1980 में ब्रिटिश डिफेंस कंपनी विक्टरस ने रोल्स रॉयस को खरीद लिया, और 1998 में वोल्कस वोल्गन और बीएमडब्ल्यू कंपनी ने इस कार कंपनी को खरीद की शुरुआत हो गई, और इन दोनों कंपनी में कई सालों तक रोल्स रॉयस की ओनरशिप को लेकर काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। और नेगोशिएशन के बाद साल 2003 में बीएमडब्ल्यू के पास रोल्स रॉयस कार की कंपनी ऑनरशिप आ गई, और रोल्स रॉयस की पैंटम कार 2003 में लॉन्च की गई, और यह कार बीएमडब्ल्यू के अंदर बनी पहली न्यू जनरेशन रोल्स रॉयस लग्जरी कार थी। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस कार के 40,000 कलर ऑप्शन मौजूद हैं। इस मॉडल की हर यूनिट जर्मनी में बनती है, और इसे बनाने में 200 एल्युमिनियम सेक्शन और 300 एलॉयस पार्ट को मशीन से नहीं बल्कि हाथों से बैंड किया जाता है। और इस कार में V12 इंजन है, जो इस कार को केवल 5.9 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ लेती है। और गोस्ट मॉडल 5 से 7 करोड़ के बीच आती है, वहीं फैंटम का प्राइस 9 से 11 करोड़ के बीच में रहता है। इसी प्रीमियम ब्रांड की सबसे ज़्यादा कारें हांगकांग शहर में देखी जाती हैं। इस कार को खरीदने वाले लोग में अभी तक सबसे कम उम्र का केवल 12 साल का है, जिसने फैंटम कार खरीदी थी। और इस कार की फिनिशिंग आपकी आंखों में जो चमक ला देती है, वही फिनिशिंग करने में काफ़ी समय लग जाता है। एक रोल्स रॉयस कार की एक कार का पेंट करने में मिनिमम 100 पाउंड पेंट इस्तेमाल होता है, और इसकी प्रिंटिंग 5 लेयर में होती है। इस तरह फिनिशिंग कंप्लीट करने में लगभग 7 डेज लगते हैं। इन गाड़ियों में बॉडी पेंट का वजन ही 45 किलोग्राम तक होता है। यह कार अपने कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए एक्सपेरिमेंट करने से भी नहीं कतराती है, और यह कस्टमर को एक बहुत अच्छा ऑप्शन ऑफर करती है जो काफ़ी पॉपुलर भी है, और वह ऑप्शन है स्ट्री लाइट हेडलाइनर। इसमें जो फाइबर है ऑप्टिकल लाइट का इस्तेमाल होता है, उन्हें हाथ से बनाया जाता है, और इनमें एक स्पेशल इफेक्ट जनरेट करने के लिए लगभग 2 किलोमीटर का केवल इस्तेमाल किया जाता है। इस काम में लगभग $12,000 खर्च हो जाते हैं, और अभी तक
जितनी भी कारें बनी हैं उनमें से 65% कार आज भी सड़कों पर दौड़ती हुई देखी जाती हैं। इन कारों का हाई क्वालिटी इंटीरियर और एक्सक्लूसिव फीचर इनमें स्पेशल बनाते हैं, इसलिए यह कार दुनिया भर के बिजनेसमैन की पहली पसंद बनी हुई है, इसलिए यह कार इतनी महंगी होती है। दोस्तों, रोल्स रॉयस से जुड़ा एक और दिलचस्प बात है जो आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये तब हुआ जब रोल्स रॉयस जैसी साहिबा गाड़ियों से सड़क का कचरा उठाया गया। यह बात 1920 की है जब अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर ने 7 रोल्स रॉयस कार खरीद ली। इंग्लैंड में उन्होंने इस कंपनी कार का टेस्ट ड्राइवर की रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मना कर दिया। यह बात महाराजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इसके लिए उन्होंने इस ब्रांडेड कंपनी की 7 कारों को कचरा उठाने के काम पर लगा दिया। जब रोल्स रॉयस कंपनी को इस बात का पता चला तो उन्होंने महाराजा से लिखित में माफ़ी मांगी। तो दोस्तों, अब आपको रोल्स रॉयस कार के कंपनी के बारे में इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और पता चल गया होगा कि रोल्स रॉयस कार इतनी महंगी क्यों होती है और रोल्स रॉयस का आविष्कार किसने किया है। तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलिएगा।